हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहिल दलाल गेम्स पर। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हमने ये नया खेत खरीदा था, जो दोस्तों आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। अब तक का दोस्तों अपना ये सबसे बड़ा खेत है, और दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि एक बार में अपनी कंबाइन जो है वो कितना इसमें भरती है, क्योंकि अभी तक अपने पास कोई भी ऐसा खेत नहीं है जिसमें एक बार में अपनी ये कंबाइन की टंकी फुल हो जाए। जो इससे पहले हमने खेत खरीदा था उसमें अपनी कंबाइन है जो वो लगभग 80% हुई थी, तो इसमें देखेंगे दोस्तों अपनी कंबाइन की टंकी कितनी भरती है। दोस्तों, ये अपने इस खेत में लास्ट चक्कर है मशीन का, और देखते हैं दोस्तों अपनी मशीन कितनी भरती है इसमें। और दोस्तों अपने इस खेत में अपनी मशीन हो गई है 95%। अभी तक दोस्तों अपने किसी भी खेत में एक बार में अपनी मशीन की जो टंकी है वो इतनी नहीं भरती थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कितना बड़ा खेत पिछले पार्ट में जो है ख़रीदा था। और दोस्तों पिछले पार्ट में मैंने बोला था कि हम अगले पार्ट में एक स्प्रे करने वाली बड़ी मशीन भी लेंगे, और दोस्तों हमको अपनी इस ट्रॉली की को भी बड़ी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी एक टंकी भी अपनी मशीन की इसमें खाली नहीं हो पाती। ये जो अपनी ट्रॉली है पहले ही फुल हो जाती है। तो जब तक अपने और खेत में काम चला हुआ है वो काम हम पूरा करके अपनी एक नई स्प्रे वाली मशीन लेके आएंगे, और साथ में एक बड़ी ट्रॉली भी खरीदेंगे। दोस्तों अभी अपने गेम में रात होने को है, हम सुबह होने पर मिलते हैं, तब तक अपने इस खेत में जुताई का और स्प्रे का काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं अपने गेम में सुबह हो चुकी है, और अपने इस खेत में जुताई और बुआई का काम पूरा हो चुका है, लेकिन स्प्रे का काम अभी तक पेंडिंग है। तो दोस्तों हमको बड़ी स्प्रे मशीन लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अब बड़ी स्प्रे वाली मशीन ही लेके आते हैं, उसके बाद दोस्तों आगे की जो अपने कार्य है वो करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं दोस्तों हम अपने शॉपिंग सेंटर में। देखिए दोस्तों, हम अपने इस शॉपिंग सेंटर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, तो अभी हम अपनी स्प्रे वाली मशीन खरीदेंगे। और दोस्तों हम सबसे बड़ी अभी अपने पास ये वाली मशीन है, जो जिसकी चौड़ाई है लगभग 6 की, ये कम ही एरिया कवर कर पाती है स्प्रे करने में, और एक बार में इसमें स्प्रे भी बहुत ही कम आता है। तो अब दोस्तों हम लेने जा रहे हैं अपनी ये वाली मशीन, जिसकी चौड़ाई उससे 4 गुना ज़्यादा है, 24 की चौड़ाई है। तो दोस्तों इस मशीन की कीमत है 1,25,000 रुपये, और ये हम खरीद लेते हैं, और फिर देखते हैं दोस्तों ये कितना जल्दी जल्दी काम करती है। ये देखिए अपनी मशीन यहाँ पर अपने शॉपिंग सेंटर में आ चुकी है। एक बार चारों तरफ से आप इस मशीन को देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े इसमें टायर लगे हुए हैं, और अभी जब हम इससे काम करके देखेंगे तो पता चलेगा ये कितने जल्दी जल्दी और कितने बढ़िया ढंग से काम करती है। दोस्तों इस मशीन का टैंक भी बहुत बड़ा है, यानी कि जो अपने पहले वाली छोटी मशीन थी उसका स्प्रे बार बार ख़त्म हो जाया करता था, उससे भी हमको इसमें से मुक्ति मिलेगी। और देखेंगे हम कि ये एक बार में कितने रुपये का इसमें स्प्रे आएगा। अभी दोस्तों अपने पास 6,12,000 रुपये हैं, देखते हैं कितने का स्प्रे इसमें एक बार में आएगा। दोस्तों ये देखिए लगभग 17,000 रुपये का स्प्रे अपनी इस मशीन में आया है, और अब ये हम देखेंगे कि कितने चौड़े कितने ज़्यादा एरिया में ये एक बार में स्प्रे करती है, और कितना जल्दी जल्दी ये काम करती है। ये देखिए दोस्तों, ये तो
ये क्या खरीद लिया दोस्तों हमने, देखिए ये तो दो बार में ही पूरे खेत को कवर कर देगी। मैं कह रहा था कि कितना देखेंगे कितना जल्दी जल्दी स्प्रे करती है, लेकिन दोस्तों ये तो जल्दी नहीं बहुत जल्दी स्प्रे कर देगी अपने सभी खेतों में। और इसको जोड़ने के बाद दोस्तों अपने ट्रैक्टर की स्पीड तो केवल 8 की ही रह गई है, लेकिन केवल दो बार में ही पूरा खेत कवर कर देगी। दोस्तों हम हर बार नए नए इम्प्लीमेंट खरीदते जा रहे हैं और दोस्तों उनका साइज़ और काम करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। और ये देखिए दोस्तों ये अपनी मशीन यहाँ पे अटक चुकी है। ये मशीन हमने खरीद तो ली, लेकिन इस तरह की समस्याओं से भी हमको सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ये मशीन 3 बार अनफोल्ड होती है, 1, 2, 2 बार ही अनफोल्ड होती है। और ये देखिए दोस्तों दूसरी बार में इसने अपना खेत पूरा कवर कर लिया है, बल्कि कवर करने के बाद भी कुछ बचा ही हुआ है ज़्यादा। दोस्तों ये मशीन आपको कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब तक की जितनी भी मशीनें हैं उनमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर अपनी ये मशीन कर रही है। और देखिए दोस्तों फोल्ड होने के बाद अपनी ये मशीन बिल्कुल छोटी सी रह जाती है। दोस्तों देखिए अपने सामने वाले खेत की कटाई का समय भी आ गया है, तो हम अपनी मशीन को वहाँ पर लेकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों अपनी ये मशीन की भी टंकी फुल होने वाली है, 80% अपनी इस मशीन में टैंक फुल हो चुका है। तो दोस्तों हमको एक नई ट्रॉली की ज़रूरत भी है, जो कि हम अपनी अभी ख़रीदने वाले हैं। अपनी इस मशीन को यहाँ पर कटाई पे लगा के दोस्तों हम अपने इस ट्रैक्टर के साथ अपनी नई ट्रॉली और लेके आते हैं। देखिए दोस्तों हम फिर से अपने शॉपिंग सेंटर तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी ये खाली है, और अभी हम अपनी इस ट्रॉली को बेचकर नई ट्रॉली ख़रीदेंगे। ये टिप्पर्स आ चुके हैं दोस्तों, अभी अपने पास ये ट्रॉली है, इसकी कैपेसिटी 8,000 की है, इसको हम बेच देते हैं। और सबसे बड़ी ट्रॉली दोस्तों हम खरीदेंगे, देखते हैं। सबसे बड़ी ट्रॉली की कैपेसिटी दोस्तों 40,000 की है और ये 62,000 रुपये में हमको मिलेगी, तो हम ये वाली खरीद लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों देखने में भी कितनी बड़ी ट्रॉली है, डबल एक्सल ट्रॉली है अपनी है। और इसको लेकर चलते हैं, जो हमारी बार बार समस्या थी कि अपनी वो ट्रॉली एक बार में ही फिल हो जाया करती, उस समस्या से भी अब हमको छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों अब हम अपने कंबाइन के पास पहुंचेंगे तो उसका टैंक हमको फुल हुआ मिलेगा, ये भी पता चलेगा कि एक बार में अपनी ये ट्रॉली कितना भरती है, क्योंकि अपनी जो पहले वाली ट्रॉली थी वो तो एक बार में ही फुल भर जाया करती कंबाइन से। ये देखिए दोस्तों अपनी कंबाइन जो है वो फुल है, और अभी हम चेक करेंगे कि अपनी नई ट्रॉली कितना भरेगी एक बार में। और दोस्तों अपनी ये ट्रॉली तो केवल 31% ही फिल हुई, और अपनी जो पहले वाली ट्रॉली थी वो तो फुल ही हो जाया करती थी एक बार में। तो दोस्तों देखिए धीरे धीरे करके हमने कैसे एक से बड़ा एक खेत खरीदा और एक से बड़ा एक हम इम्प्लीमेंट भी खरीदते जा रहे हैं। आगे आगे दोस्तों अपना ये गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। दोस्तों अब हम अपनी इस स्प्रे वाली मशीन को, स्प्रे जो इसमें स्प्रे है, इसको खाली करके बेच देंगे। और एक बार दोस्तों हमको ये ट्रैक्टर भी बेचना ही पड़ेगा, इस ट्रैक्टर को बेचकर हम एक बड़ा ट्रैक्टर लेंगे, और दोस्तों हम कल्टीवेटर भी बड़ा ही लेंगे। इस पार्ट में दोस्तों 2 इम्प्लीमेंट हम नए खरीद चुके हैं, और तीसरा हम कल्टीवेटर खरीदेंगे जो कि सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अभी तक अपने पास स्प्रे करने की मशीन है जो वो भी सबसे बड़ी हम खरीद चुके हैं, कंबाइन है जो वो भी सबसे बड़ी इस गेम की खरीद चुके हैं, और गेहूं बोने वाली मशीन भी अपने पास सबसे बड़ी है। केवल कल्टीवेटर ही अभी तक अपने पास छोटा है, तो वो भी अब की बार हम सबसे बड़ा ही खरीदने वाले हैं। अपनी इस कंबाइन ने दोस्तों यहाँ पर कटाई का काम पूरा कर दिया है, इसको एक साइड खड़ी करके हम फिर अपना नया कल्टीवेटर लेके आएंगे। और दोस्तों यहाँ से क्रॉस करने के लिए हमको हर बार स्ट्रगल ही करना पड़ता है। दोस्तों अभी अपने गेम में रात होने को है, तब तक हम जिस खेत की कटाई करके आए हैं उस खेत का काम पूरा कर लेते हैं। सुबह होने पर हम अपना
कल्टीवेटर जो है वो नया, सबसे बड़े वाला नया कल्टीवेटर लेके आएंगे। मिलते हैं दोस्तों एक बार सुबह होने पर। दोस्तों सुबह होने को है और हम अपना ये ट्रैक्टर और ये जो स्प्रे की पुरानी मशीन है इसको अपने शॉपिंग सेंटर के पास लेके जा रहे हैं और वहाँ पर ले जाकर दोस्तों हम इसको बेच देंगे। और उससे पहले अपने इस खेत की कटाई का समय आ गया है तो यहाँ पर हम अपनी कंबाइन को लगा देते हैं ताकि जब तक हम नया कल्टीवेटर खरीद के आएँ अपनी ये कंबाइन इस खेत का काम ख़त्म करें हमको मिले। अब हम दोस्तों चलते हैं अपने शॉपिंग सेंटर पर। तो दोस्तों इस बार हम एक नया ट्रैक्टर भी खरीदेंगे लेकिन उससे पहले हम अपने पुराने वाला ट्रैक्टर बेचेंगे। ये दोस्तों अपने पास है ये वाला ट्रैक्टर है और अपना 65,000 रुपये में ये ट्रैक्टर बिक जाएगा तो इसको बेच देते हैं दोस्तों। और अब की बार सबसे ज़्यादा स्पीड वाला ट्रैक्टर तो अपने पास है और अब की बार हम सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर खरीदेंगे दोस्तों। देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा HP वाला ट्रैक्टर हमको मिलता है। ये 313 का है, ये भी 313 है, न्यू होलैंड भी 313 है, JCB 310 है दोस्तों, ये ड्यूट जो 336 है, मेसी फर्ग्यूसन 400 की हॉर्स पावर है दोस्तों, और ये चैन वाला ये बेल्ट वाला है दोस्तों, ये नहीं लेते हम मेसी फर्ग्यूसन खरीदते हैं दोस्तों जिसकी 400 हॉर्स पावर है और 60 की स्पीड है, इसको हम खरीदते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही हम एक बड़ा कल्टीवेटर भी खरीदते हैं जो सबसे बड़ा होगा। ये देखिए दोस्तों अभी अपने पास जो कल्टीवेटर है वो ये वाला है, इसकी 6 की चौड़ाई है और इसको हम बेच देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम खरीदते हैं अपना ये वाला कल्टीवेटर जिसकी 15 की चौड़ाई है दोस्तों, यानी कि उससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा चौड़ाई वाला कल्टीवेटर हम खरीदेंगे। और सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर भी हमने खरीद लिया है। और ये देखिए दोस्तों अपना नया ट्रैक्टर देखने में कितना बड़ा लगता है, कितना चौड़े चौड़े इसके टायर हैं दोस्तों, और अपना ये कल्टीवेटर तो और भी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों मिलके कितना जल्दी जल्दी काम करेंगे दोस्तों और अब हमको खेत में ले जाकर पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों अपना ये कितना बड़ा ट्रैक्टर था, 400 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर था, ये कल्टीवेटर जोड़ने के बाद ही 60 से स्पीड घट के इसकी 53 की रह गई, क्योंकि इस ट्रैक्टर की स्पीड जो थी वो 60 की थी और जब ये काम करेगा तो इसकी स्पीड को कितना कम कर देगा वो भी हम देखेंगे। और ये देखिए दोस्तों अपनी स्प्रे मशीन की तरह ये कल्टीवेटर भी 2 बार हैंड फोल्ड होता है। ये पार्ट तो दोस्तों अपना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है अब तक, क्योंकि इतने बड़े बड़े इम्प्लीमेंट हमने अब तक खरीदे ही नहीं थे दोस्तों। इतने बड़े कल्टीवेटर के साथ भी अपना ये ट्रैक्टर 18 की स्पीड पर चल रहा है। हम दोस्तों ये भी देखेंगे कि अपना जो JCB वाला ट्रैक्टर है वो इतने बड़े कल्टीवेटर के साथ किस स्पीड में चलेगा वो भी हम चेक करेंगे। अब इस पार्ट में दोस्तों हमने लगभग सभी बड़े बड़े इम्प्लीमेंट खरीद लिए हैं। अगले पार्ट में हम फोकस करेंगे बड़े बड़े नए नए खेत खरीदने पर। ये देखिए दोस्तों इसने 2 राउंड में ही पूरे खेत का काम निपटा दिया है और ये रुक गया है अपना काम निपटा के। ये देखिए दोस्तों अपना ये ट्रैक्टर ये कल्टीवेटर 2 बार अनफोल्ड होता है, इसको हम यहीं पे खड़ा कर देते हैं और अपने इस खेत में जो थोड़ा सा स्प्रे होना बाकी है वो स्प्रे करते हैं अपनी नई बड़े वाली मशीन के साथ जो कि अपने कल्टीवेटर से भी बड़ी है दोस्तों। इन नए इम्प्लीमेंट के साथ तो काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए दोस्तों ये अनफोल्ड होकर कितनी चौड़ाई इसकी हो जाती है और अपनी वो पहले वाली मशीन दोस्तों एक बार में किसी भी खेत को पूरा नहीं कर पाती थी और अपनी ये मशीन तो एक बार में 3-4 खेत को कंप्लीट कर देगी, कंप्लीट स्प्रे कर देगी 3-4 खेत में दोस्तों। अपना ये ट्रैक्टर केवल 8 की स्पीड पर चलता है जब हम इसके पीछे ये मशीन जोड़ते हैं, तो अपनी इस स्प्रे वाली मशीन को अपने नए ट्रैक्टर के साथ जोड़ के देखते हैं अपना नए वाला ट्रैक्टर किस स्पीड में भागेगा ये मशीन जोड़ के। ये मशीन को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। अब
अपने दोस्तों, इस ट्रैक्टर की तो आवाज़ भी कुछ और ही तरह की है। और ये अब खाली होने के बाद 60 की स्पीड पे भागा है। जब तक इसके पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ था तो ये 53 की स्पीड ही पकड़ रहा था। और अब देखेंगे ये मशीन अपनी स्प्रे वाली जुड़ने के बाद ये कितनी स्पीड पर चल पाएगा। दोस्तों वैसे अपनी ये स्प्रे वाली मशीन है बहुत ही ज़्यादा बड़ी। और अब देखते हैं दोस्तों अपना ट्रैक्टर कितनी स्पीड पकड़ पाता है। और अपने ट्रैक्टर ने 18 की ही स्पीड पकड़ी है अब भी। अपने कल्टीवेटर में भी ये 18 की स्पीड पर ही चला था और अब भी 18 की ही स्पीड पर चल रहा है। और दोस्तों पहली बार की तरह ही अपनी इस खेत में भी मशीन ने 1.5 बार में ही पूरे खेत को कवर कर दिया है। दोस्तों अब तक के जितने भी अपने फार्मिंग सिमुलेटर 18 के पार्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को तो दोस्तों इसी पार्ट में आया है जब हमने इतने बड़े बड़े इंप्लीमेंट खरीदे हैं। आपको अब तक सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आगे से अपने वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे। किसी समस्या के कारण मैं बीच में इतने लंबे समय तक वीडियो नहीं डाल पाया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।